गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। द लास्ट लेसन, दिस चैप्टर और दिस लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडे, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सो दिस पर्सन, ये जो आदमी है, यही है अल्फोंस डॉडे। ठीक है, दिस चैप्टर इज रिटन बाय दिस मैन। सो सबसे पहले हम वीडियो में बात करेंगे अल्फोंस डॉडे के बारे में। सो अल्फोंस डॉडे वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। क्या है? फ्रेंच नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब नॉवेल्स लिखते हैं और क्या है, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? फॉर्मरली अ स्कूल टीचर, पहले वो क्या थे, एक स्कूल टीचर रहे हैं। ही क्विट इट टू मेक अ लिविंग एज अ जर्नलिस्ट इन पेरिस। सो उन्होंने क्या है, अपनी जो जॉब है वो क्विट कर दी, छोड़ दी। किस चीज के लिए? टू मेक अ लिविंग एज अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट बन गए पेरिस में जाके। ही टुक टू राइटिंग, इन्होंने राइटिंग्स लेकिन मतलब जो है अपना वर्क्स लिखने स्टार्ट किए। His poems collected into a volume, और इनकी जो poems का collection है, ठीक है, उनका नाम, उसका नाम है Le Amoureuses। क्या? Le Amoureuses। So ये इनकी poetry के collection है, उसका नाम है। ठीक है students? He was born in 1840 in France and died in 1897। ठीक है students? तो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है अल्फोंस डॉडे, और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है उनकी द लास्ट लेसन। सो दिस चैप्टर इज अबाउट फ्रेंको प्रशियन वॉर। ठीक है, ये चैप्टर फ्रेंको प्रशियन वॉर के बारे में हमें बता रहा है, उस टाइम की कहानी है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब सबसे पहले बैकग्राउंड का बात, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं। बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी जाके आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि स्टोरी किस टाइम की है, क्या है इस कहानी के अंदर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। जो लास्ट लेसन है वो कहानी का जो टाइम है फ्रेंको प्रशियन वॉर की, मैं आपको बता चुका हूँ, इट मींस अबाउट 1870 और 1871 के आसपास की कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। तो इस वॉर में क्या होता है, जो प्रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया, और प्रशियन फोर्सेस का जो लीडर था वो कौन था, बिस्मार्क था। ठीक है, प्रशियन फोर्सेस दे अटैक्ड, इन्होंने अटैक किया एंड दे कैप्चर्ड फ्रांस, और फ्रांस पर इन्होंने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रशिया, आप लोगों ने प्रशिया सुना नहीं होगा कि प्रशिया है क्या। तो प्रशिया क्या है, नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। पुराने टाइम पर प्रशिया में जर्मनी होता था, पोलैंड होता था एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको को जर्मनी को, पूरे जर्मनी को, पोलैंड को और कुछ ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसके कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता है प्रशिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रशियन जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उन्होंने अटैक कर दिया फ्रांस पे और दे कैप्चर्ड इट द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स। और जब कब्जा कर लिया तो उस कब्जे में क्या हुआ, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन से, अलसासे, नाम क्या है, अलसासे एंड लोरेन। ये नाम बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। दीज आर द टू डिस्ट्रिक्ट्स दे वेंट इन टू प्रशियन हैंड्स। इनके ऊपर क्या है, प्रशियंस का कब्जा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। और जैसे ही ये जो अल्सासी एंड लोरेन प्रशियन रूलर्स के अंडर गए, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर पास आउट कर दिया। उस ऑर्डर में क्या था, टीचिंग ऑफ फ्रेंच, जो उनकी, जो आपको पता है अल्सासी एंड लोरेन फ्रांस का पार्ट थे, अब फ्रांस के अंदर उनकी जो मेन लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है। तो जैसे ही प्रशियन रूलर्स ने वहां अपना रूल स्टार्ट किया, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया कि भाई अब से फ्रेंच लैंग्वेज इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अल्सासे और लोरेन के अंदर, ये फ्रेंच लैंग्वेज को अब जो है पढ़ाया नहीं जाएगा। इस तरीके से रूल पास कर दिया प्रशियन रूलर्स ने। तो ठीक है, द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। अब जब कहीं पर आप सोच के देखो, स्कूल में अगर बाई चांस बोल दिया जाए कि भाई हिंदी की टीचिंग नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, स्कूल के अंदर अब हिंदी के टीचर्स का कोई काम नहीं रहा, उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जैसे ये प्रशियन रूलर्स आए, उन्होंने
बोला कि अब देर विल बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, जो फ्रेंच टीचर्स हैं उनको स्कूल छोड़ के जाना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये था बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब ये जो आया है, ये जो एक ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग नहीं होगी, कहां पर? इन अलसासिया एंड लोरेन में, जो कि दो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, ठीक है। और क्यों नहीं होगी? बिकॉज नाउ प्रशियन रूलर्स देवर देयर, ठीक है। जो प्रशियन रूलर्स हैं, प्रशियन जो फोर्सेस हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब देखिए, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तो इंडिया पे उन्होंने, इंडिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो वो जो रूल पास करते थे वही इंडिया में लागू होता था। तो उसी तरीके से प्रशियंस अब जो रूल बनाएंगे, ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्टों, इन दो डिस्ट्रिक्ट में वही रूल चलेगा। तो उन्होंने आते ही ये एक ऑर्डर पास किया है कि फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी इन दो डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? तो अब इस चीज का क्या इफेक्ट होता है, किस चीज पे? ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर क्या इफेक्ट होगा, वही इस चैप्टर में शो किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हरी बात समझ में? फ्रेंको प्रशियन वॉर के टाइम की कहानी है। प्रशियन सोल्जर्स कैप्चर्ड फ्रांस एंड दे यू नो मेड अ रूल दैट देयर विल बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। नाउ रीजन ऑफ अलसासे। अब ये जो अलसासे और हम लोरेन की मेन बात कर रहे हैं, तो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस ऑन द बॉर्डर विद जर्मनी। जर्मनी के बॉर्डर पे है, जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर पे है। फॉर सेवरल सेंचुरीज द रीजन ऑफ अलसासे हैज ऑल्टरनेटली बीन अ जर्मन एंड अ फ्रेंच टेरिटरी। ठीक है, कई सदियों तक कभी ये अलसासे जर्मन, जर्मनी का पार्ट रहा है, कभी फ्रांस का पार्ट रहा है। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रेंच रूल एंडेड इन 1871 आफ्टर द फ्रेंको प्रशियन वॉर। और यू नो काफी सालों बाद जो फ्रेंच, मतलब काफी टाइम से इस अलसासे पे फ्रेंच रूल था और इसका एंड हो गया 1871 में, ठीक है, फ्रेंको प्रशियन वॉर के बाद। एज द विनर ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर जर्मनी एनेक्स्ड अलसासे एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लोरेन। ठीक है, और फ्रेंको प्रशियन वॉर में क्या हुआ, जो जर्मनी है वो जीत गया और उसने क्या है, अलसासे और उसके जो एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग होता है नियर बाय रीजन है, लोरेन के आसपास के इलाके, इस पे क्या है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। इट इज एट दिस टाइम दैट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट लेसन अनफोल्ड। तो अब इसी टाइम पर ये जो चैप्टर है इसके इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जरा, अब मैं आपको मैप के जरिए समझाऊंगा कि अलसासे लोरेन क्या है, कहाँ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है फ्रांस, क्या ये रहा फ्रांस, ठीक है, ये रहा जर्मनी। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इनके बीच में ये जो देखिए अलसासे लोरेन, ये ऑरेंज कलर से जो पार्ट नजर आ रहे हैं, ये क्या है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हो गए ना, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं फ्रांस के और जर्मनी के, ठीक है। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट पर प्रशियन फोर्सेस ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा मैप के जरिए कि कहाँ है अलसासे एंड लोरेन। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कहानी के करेक्टर्स के बारे में। तो हमारी ये जो कहानी है लास्ट लेसन, इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हैं? तो हमारी कहानी का पहला जो करेक्टर, जो मेन करेक्टर है, वो है फ्रांस। कौन है फ्रांस? फ्रांस क्या है, ही इज अ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर काफी रिएक्ट करता है और ईमानदार भी है। एंड ही एक्सेप्ट हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन्स। तो चैप्टर का एंड होते होते फ्रांस को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी गलती है, जो उसने अपने फ्रेंच लेसन्स को क्या किया, इग्नोर किया, उन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट है फ्रांस, हमारी कहानी का मेन करेक्टर है, यही कहानी हमें बता रहा है, मतलब ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी ऑल्सो फ्रांस। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है एम हेमल। एम हेमल क्या है, ही इज अ सिंसियर, सिंसियर है वो एंड स्ट्रिक्ट टीचर है, किस चीज के, फ्रेंच लैंग्वेज के। तो एम हेमल, देखिए एम हेमल की मैंने एक फोटो लगा रखी है, इस टाइप से कुछ है टीचर। तो काफी सिंसियर टीचर है और काफी स्ट्रिक्ट टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। हु इज पैशनेटली पेट्रियोटिक, और टीचर होने के साथ साथ, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के साथ साथ वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, पैट्रियोटिक भी है। पैट्रियोटिक बोले तो देशभक्त, ठीक है, अपने देश के प्रति बहुत यू नो इमोशनल फीलिंग्स हैं। ही इमर्जेस एज एन एपिटोम ऑफ एन आइडियल टीचर। और कहानी के एंड में हम देखेंगे, पूरी कहानी पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि एक आइडियल टीचर की प्रतिमूर्ति है, मतलब इनसे आइडियल टीचर्स दुनिया में मिल ही नहीं सकता।
ऐसे कुछ किसी टीचर ऐसे टीचर के रूप में एन हेबल को दिखाया गया है स्टोरी के अंदर। और एक ये माइनर करेक्टर है, मेन तो ये दो ही करेक्टर है, फ्रांज एंड एन हेमल, ठीक है। ओल्ड हॉसर भी है एक करेक्टर, वन ऑफ द एल्डर विलेजर्स हु गैदर्स विद द चिल्ड्रन। ये क्या है, एक क्या है विलेजर है, ओल्ड विलेजर है, ठीक है, बड़े हैं काफी, और ये गैदर करते हैं, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ पर, एम हेमल के क्लासरूम के अंदर, ठीक है। किस चीज के लिए, टू हियर द लास्ट लेसन, मतलब जब लास्ट लेसन लेने वाले हैं एम हेमल अपनी क्लास के अंदर, तो ओल्ड हॉसर भी वहां पर प्रेजेंट है दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी कहानी के तीन करेक्टर हो गए, फ्रांस मेन करेक्टर, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, और यही हमारी कहानी का नरेटर भी है, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताई गई है। ये है फ्रेंड्स, देन एम हेमल एक टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, कुछ इस टाइप से टीचर पढ़ा रहा है, एंड एक ओल्ड हॉसर, वो कौन है, एक एल्डर विलेजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया कहानी के तीनों करेक्टर्स के बारे में। अब चलिए स्टूडेंट्स कहानी स्टार्ट करते हैं। सॉरी, उससे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रांस इसमें जो है फ्रेंको प्रशियन वॉर हुआ उसके अंदर क्या है, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, प्रशिया ने फ्रेंको प्रशियन वॉर में फ्रांस को हरा दिया है, ठीक है। ये और ये वॉर कब हुआ, 1870 से 1871 के बीच। ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन केम टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सासे, और मैंने कहा ऑर्डर आए थे कहां से, बर्लिन से। बर्लिन के बारे में आपको पता होगा, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो मेन जो है यहां से ऑर्डर आते हैं क्या, टू टीच ओनली जर्मन, कि अब सिर्फ कोई फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग नहीं होगी अल्सासे और लोरेन के अंदर, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच फ्रांस के, तो इनके अंदर अब क्या है, जर्मन पढ़ाई जाएगी, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज विल बी रिप्लेस बाय जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सासे एंड लोरेन। इट सडनली अवेकन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, और जैसे ही ये एक आदेश आता है कि भाई कोई चीज नहीं पढ़ानी है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ानी, तो अचानक से क्या है, जो स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म है, जो देशभक्ति की जो भावना है, वो अवेक हो जाती है, वो जाग जाती है लोगों के अंदर, एंड अ लव फॉर देयर लैंग्वेज इज इन एवरी हार्ट, और अपनी अपने देश को लेकर और अपनी भाषा को लेकर यहाँ के लोगों में एकदम से प्यार उमड़ पड़ता है। इससे पहले प्यार नहीं था, इससे पहले देशभक्ति की भावना नहीं दिखाई उन्होंने, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि अब कोई लैंग्वेज वगैरह, ये हमारी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इनके दिल में अपनी भाषा के लिए और अपने देश के प्रति प्यार उमड़ जाता है, ऐसा कुछ कहानी में दिखाया गया। एन एटमोस्फियर ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछतावा, क्या होता है पछतावा, एक एटमोस्फियर जनरेट हो गया क्लास के अंदर कि लोगों को पछतावा है, एंड डीप लॉस, उनको ये बहुत बड़ा लॉस लगता है कि भाई हाँ अब हमारी भाषा हमसे छूटने वाली है, हंग इन द क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ है चैप्टर के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ठीक है। तो आई हियर स्टैंड्स फॉर किसके लिए, मैंने आपको बताया था आई इज द नरेटर, मतलब बोले तो फ्रांस। सो फ्रांस कहता है कि ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, एक सुबह की वो बात कर रहा है, उस दिन वो स्कूल में काफी मतलब लेट उठा, लेट स्टार्ट किया, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और ड्रेड होता है फियर, क्या होता है फियर मतलब डर, ठीक है। फ्रेंच लेट उठा है फ्रांस, और उसको बहुत डर है किस चीज का, स्कोल्डिंग का, स्कोल्डिंग होता है डांटना, ठीक है। तो फ्रांस को डर है कि उसको डांट पड़ेगी, वाई, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। आगे फ्रेंड्स कहता है कि उसको डर है कि आज उसको डांट पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उनका जो टीचर है एम हेमल वो क्या करेगा, ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, वो उनसे पार्टिसिपल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और आगे फिर ये कहता है फ्रांस कि उसको तो इनके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, ठीक है। फिर फ्रांस कहता है कि एक मन तो किया कि चल यार आज स्कूल ना जाऊं, ठीक है, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मतलब स्कूल बंक करने की वो सोच रहा है कि यार स्कूल जाऊंगा, खामखा टीचर की डांट खाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता पार्टिसिपल्स के बारे में। अब देखिए, एक तो ये रीजन था उसका स्कूल ना जाने का, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न एनीथिंग, है ना, अबाउट पार्टिसिपल्स। दूसरा देखिए, इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट, बाहर का वो मौसम देखता है तो काफी गर्मी थी, मतलब वॉर्म था, गर्मी तो नहीं कहेंगे हम, वॉर्म था, सुहावना मौसम हो रखा है, सूरज निकला हुआ है, आपको पता होगा जो फ्रांस है वो एक ठंडा कंट्री है यूरोप का, तो वहां पर सूरज निकलना काफी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मौसम कहने का मतलब है, इन शॉर्ट मौसम बहुत बढ़िया था, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिरपिंग,
ठीक है, बर्ड्स हैं वो चिर्प कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स मतलब होता है जंगल, मतलब जंगल में ठीक है, पक्षी भी चहचहा रहे हैं, मौसम बढ़िया है, सनशाइन कर रहा है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, ठीक है, सॉ मिल होता है अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, ठीक है, तो वहां पे एक फैक्ट्री है, वहां पर क्या है उसके बैक में, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल मतलब एक्सरसाइजिंग, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, मतलब सोल्जर्स की प्रैक्टिस चल रही है, तो वो ये चीज नोटिस करता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। अब उसके सामने देखिए ये चॉइस है, पहली चॉइस क्या है, वो या तो स्कूल जाए और जाके टीचर की डांट खाए एमएमएल की, और या दूसरी उसके पास चॉइस है कि वो स्कूल बंक कर दे, और स्कूल बंक करेगा डांट भी नहीं खाएगा, बाहर वैसे ही मौसम बढ़िया है, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, प्रशियन सोल्जर्स जो वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ये उनको देख लेगा। तो वो ये कहता है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता है अट्रैक्टिव या एल्यूरिंग, ठीक है, आकर्षक, बोला ये सारी चीजें काफी आकर्षक थी। आकर्षक क्या क्या था, वेदर है ना, बर्ड्स, ठीक है, प्रशियन सोल्जर्स, तो ये सारी चीजें काफी आकर्षक थी। देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, बोला एक तरफ तो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे कि भाई पार्टिसिपल्स के रूल्स, वो जाएगा स्कूल में और डांट खाएगा, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, वो कहता है लेकिन मेरे अंदर ताकत थी किस चीज की, रेजिस्ट करने की, रेजिस्ट होता है विरोध करना, मतलब उसके मन में ना युद्ध चल रहा है विचारों का, एक तरफ वो स्कूल जाना चाह रहा है, एक तरफ नहीं जाना चाह रहा है, तो लेकिन वो कहता है कि अब उसके अंदर ताकत है कि वो इन नेगेटिव थॉट्स को, स्कूल बंक करने वाले थॉट्स को वो क्या कर दे, रेजिस्ट कर दे, उनको अपने दिमाग से भगा दे। एंड ही हरिड ऑफ टू स्कूल, और वो फटाफट, जैसा कि मैंने बताया स्कूल लेट हो रहा था, वो फटाफट स्कूल के लिए निकला। अब देखिए ये जो बर्ड्स हैं आपको दिख रहे होंगे, बर्ड्स वर चिरपिंग, बताया था ये साइट है, ठीक है, एंड सोल्जर्स देवर क्या है, ड्रिलिंग, इस तरीके का कुछ सीन है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब वो स्कूल जा रहा है तो रास्ते में क्या पढ़ रहा है, टाउन हॉल पढ़ रहा है, और वहां पर क्या है, देयर वाज अ क्राउड, भीड़ वो देखता है कहां पर, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने वो क्या है, भीड़ देख रहा है। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे स्कूल में होता है ना नोटिस बोर्ड, जहां पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहती है बच्चों के लिए, और ठीक है सर्कुलर्स वगैरह पेस्ट किए जाते हैं, इसी तरीके से टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड था, जहां पर सारी खबरें आती हैं। तो उसके सामने जब फ्रांस जा रहा है स्कूल, तो उसको क्या है, वो भीड़ देखता है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब वो बताता है आगे कि पिछले 2 सालों से सारी की सारी जो बुरी खबरें ना, इनको यहीं से मिली है। अब बुरी खबरें कैसी कैसी, द लॉस्ट बैटल्स, ठीक है, जो बैटल्स जो है फ्रांस हार गया है, इसके बारे में खबर किसको, उसको कहाँ से मिलती है, इन लोगों को कहाँ से मिलती है, बुलेटिन बोर्ड से। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है ऑर्डर्स टू ज्वाइन द आर्मी, कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, अब जो रूल, जो मतलब वहां पर कमांडिंग ऑफिसर है उसके क्या ऑर्डर्स हैं, मतलब ये सारी बुरी खबरें फ्रांस कह रहा है कि उनको इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होती हैं। देखिए ये कुछ इस टाइप का है बुलेटिन बोर्ड, आप देख रहे हो लोगों की भीड़ है यहाँ पे, तो जो लोग हैं वो क्या है, कुछ ना कुछ नोटिस करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रखे, तो इस टाइप की कुछ भीड़ थी कहाँ पर, टाउन हॉल के अंदर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है उसके सामने, ठीक है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और जब फ्रांस स्कूल जा रहा है जल्दबाजी में, तो वो सोचता है, क्या सोचता है, देखो विदाउट स्टॉपिंग, एज वी नो ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, है ना, स्कूल लेट हो रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रुक के चेक करे कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, तो इसलिए वो मतलब रुका नहीं, और वो सोच रहा है खुद ही, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, बोला यार अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो मतलब अब देखो जैसे उसने हमें बताया कि भाई बुरी खबरें ही मिलती हैं, तो आज भीड़ है तो उसको लग रहा है कि भाई बुरी खबर आज भी कोई ना कोई आई होगी, तो वो सोच रहा है कि यार अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब क्या आया ऐसा। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जो फ्रेंड्स है जितनी जल्दी उससे हो सकता है वो जा रहा है, द ब्लैक स्मिथ वेस्टर्न हु वॉज देयर, ठीक है, अब ये जा रहा है तो वहां पर जो ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, नाम क्या है, वेस्टर्न, ही वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज होता है ट्रेनिंग, वो अपने ट्रेनिंग के साथ वहां पे खड़ा हुआ है बुलेटिन बोर्ड के सामने, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, उसने क्या है हमारे फ्रेंड्स को बुलाया और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या बोला,
डोंट गो सो फास्ट बब, बब मतलब द बॉय, बेटा इतनी जल्दबाजी में मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे स्कूल जाने में तो बहुत टाइम बचा है, हैं? इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ, इस तरीके से उसने बोला। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब फ्रांस को लगता है कि ये तो उसका क्या है, मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट है और कह रहा है कि मैं लेट हूं ऑलरेडी, और ये क्या कह रहा है, ये एक तरीके से टॉन्ट कर रहा है कि हाँ मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ होता है पेंटिंग हाफते हुए, तो ये स्कूल के लिए फटाफट भागता हुआ जा रहा है एक तरीके से, तो उसको क्या है सांस से चढ़ गया, तो वो पहुंचता है एम हेमल के छोटे से गार्डन के अंदर। एम हेमल ने बताया उनका टीचर है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अब वो बता रहा है कि देखिए क्या होता है कि यूजुअली ज्यादातर क्या होता है, जब स्कूल की शुरुआत होती है देर वॉज अ ग्रेट बसल। क्या होता है, ग्रेट बसल होता है, बसल मतलब अ लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल। तो आप देखना जब भी स्कूल में जाते हैं तो जनरली आपको काफी शोर शराबा मिलता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। वो कहता है कि वो शोर शराबा वहां दूर गली में भी सुन जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब जो शोर शराबा होता है बच्चे बच्चे शोर करते हैं, ठीक है, डेस्क के ओपन होने की क्लोज होने की क्या आती रहती है, आवाज आती रहती है, क्लियर है। सो अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था बुलेटिन बोर्ड था कुछ इस टाइप का, वहां मैंने दिखाया भी था, भीड़ भी लगी हुई थी, ठीक है ना। तो ये लॉस्ट बैटल्स के बारे में वहां उनको खबर मिलती है, ड्राफ्ट ऑफ सोल्जर्स के बारे में, एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इसके बारे में इन लोगों को सारी खबरें कहाँ से मिलती हैं, बुलेटिन बोर्ड से मिलती है। तब वो कहता है कि क्लासरूम में जैसे यूजुअली स्कूल जाते हैं तो काफी शोर शराबा होता है, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन होता है इन वन वॉइस। अब बच्चे हैं, बच्चे के आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की जब क्लास लगती है तो टीचर कहता है ए फॉर एप्पल, तो सब बच्चे बोलते हैं ए फॉर एप्पल। तो ये जो जब कलेक्टिवली जब बच्चे बात करते हैं, जब इस तरीके से बोलते हैं, तो इन बच्चों की जो क्लास की आवाज है वो दूर तक जाती है। तो इसी तरीके से फ्रांस कहता है कि भाई जो स्कूल का शोर दूर तक सुनाई देता है, चाहे वो डेस्क के ओपन या बंद करने की आवाज हो, चाहे इनके लेसन की आवाज हो, वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के रूलर की आवाज भी ठीक है आती है, रैपिंग होता है स्ट्राइक रैपिडली, ठीक है ना, बार बार जो टीचर्स हैं वो अपने रूलर को कहाँ मारते हैं, टेबल पे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, अब वो कह रहा है यार यूजुअली तो इतनी आवाज होती है जब भी स्कूल जाते हैं, लेकिन आज तो क्या है बिल्कुल शांति है। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन मीन्स रिलायड और डिपेंडेड ऑन द कमोशन, कमोशन होता है लाउड नॉइस, बहुत ज्यादा शोर शराबा। अब देखिए कई बार क्या होता है, जब काफी शोर शराबा हो रहा हो या काफी चहल पहल हो, तो हम कुछ चुपके से काम करते हैं ना, तो उसको कोई नोटिस नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूजुअली इतनी एक्टिविटी वहां पे हो रही है। तो इसको फ्रांस को उम्मीद थी कि अभी स्कूल में एंटर करने वाला ना कितना शोर शराबा मिलेगा, और ठीक है मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या कहता है, आई हैड काउंटेड ऑन द प्रमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। उसको लग रहा था कि वो भाई प्रमोशन उसकी हेल्प करेगा, लाउड नॉइज उसकी हेल्प करेगी, ठीक है, कि वो अपने डेस्क पर चला जाए बिना किसी के नोटिस किए हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। फिर कहता है कि लेकिन उस दिन तो हर चीज ऐसी शांत लग रही है, ऐसी क्वाइट लग रही है जैसे कि क्या हो, संडे मॉर्निंग का टाइम हो। संडे को आपको पता है स्कूल के अंदर अगर आप जाओ तो बिल्कुल शांति मिलेगी, क्यों, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं होता है, नहीं, तो इसलिए उसको लग रहा है मतलब ठीक है, वो गया उसको लग रहा था शोर मिलेगा लेकिन शोर वहां मिला नहीं, बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा स्कूल लग रहा है। अब देखते हैं, थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, ठीक है, वो कहता है कि खिड़की में से उसने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। आपको पता है फ्रांस लेट है, तो ऑलरेडी इसके जो क्लासमेट्स हैं वो आ चुके हैं क्लास के अंदर। एंड एम एमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो देखता है उसका जो टीचर एम हेमल है वो वॉक कर रहा है क्लास के अंदर, और उसके हाथ में उसका क्या है, आयरन रूलर भी है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब देखिए, अब इसको तो लग रहा था कि चुपके से जाके बैठ जाएगा, लेकिन क्लास ऑलरेडी लग चुकी है, टीचर वहां पे है, ठीक है, बिल्कुल शांति का माहौल है, तो इसने इसको डोर खोलना पड़ेगा, है ना। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, और फिर आगे फ्रांस कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड होता है फेल्ट अशेम्ड, कितनी मुझे शर्म आ रही होगी, मतलब शर्म के मारे हमारे फ्रेंड्स का जो चेहरा है वो लाल हो गया है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ठीक है, और फ्रांस कहता है कि भाई वो क्या है,
बहुत क्या है, फ्राइटेंड है, बहुत डरा हुआ है, समझ रहे हो? आप सोच सकते हो, देखो आप, जब हमें पता होता है हमारी गलती होती है तो हमें डर भी लगता है। अब फ्रांस को पता है कि ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल, ठीक है ना, और ऊपर से उसने रूल्स वगैरह भी याद नहीं किए हैं, तो आप सोच सकते हो कि क्लास में लेट जा रहा है तो उसको कितनी शर्म आ रही है। बट नथिंग हैपेंड, वो कहता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड वॉज वेरी काइंड। अब इसको उम्मीद थी कि एम हेमल उसको स्कोल्ड करेंगे, लेकिन जैसे ही ये क्लास के अंदर एंट्री लेता है, एम हेमल ने इसको देखा, ठीक है, और बहुत ही काइंडली, देखिए टीचर के नेचर में फर्क आ गया है। जो एम हेमल उसकी जो टीचर है, यूजुअली ही वॉज अ क्रैंकी पर्सन, ठीक है, क्रैंकी को हिंदी में कहते हैं हम सनकी, सनकी आदमी है, ठीक है, रूलर से काफी बच्चों को पिटाई करता है ये। लेकिन जब ये पहुंचा, इसको तो उम्मीद थी कि टीचर डांटेगा, लेकिन टीचर ने डांटने की बजाय उसको बड़ी काइंडली ट्रीट किया। ये एक चेंज आया टीचर के नेचर के अंदर, ठीक है, और क्या कहा इसको, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, बोला बेटा जल्दी जाओ अपनी जगह पे, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बगैर ही क्या कर रहे थे, हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे थे। इस तरीके से उसका कुछ टीचर उसको बोलता है। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, ठीक है, आगे फ्रेंड्स कहता है कि तुरंत वो जाके अपने बेंच पे बैठ गया, ठीक है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, ठीक है। अब देखो उसको डर लग रहा था ना, डर किससे लग रहा था, टीचर से लग रहा था, तो अब जाके बैठ गया तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डर जाएगा। डिड आई सी डैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब जब तक इसने नोटिस नहीं किया था, क्या नोटिस नहीं किया था, कि उनका जो टीचर है, मतलब जो एम हेमल है, उसने क्या है अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल शर्ट, ठीक है, तो ये चीज उसने नोटिस नहीं की थी, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है कि टीचर ने क्या क्या कपड़े पहने हुए थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने जो है फ्रेंच के टीचर ने क्या है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और फ्रिल शर्ट, फ्रिल मतलब होता है शर्ट विद डिजाइन, धारीदार शर्ट पहनी हुई है, ऊपर से ग्रीन कोट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्क कैप पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है कढ़ाईदार, मतलब सब पे क्या हो रखी है, कढ़ाई हो रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन ही नेवर डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, वो कहता है कि ये जो उसकी जो कपड़े हैं, कौन से, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ठीक है, ये कपड़े जो है वो कभी नहीं पहनता, कब, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, मतलब वो कपड़े कब पहनता है, इंस्पेक्शन और प्राइस डेज वाले दिन पहनता है। अब वो आगे बोलता है कि जो उसके टीचर, मैंने बताया ये स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं, जो उसके टीचर सिर्फ कब पहनते हैं, इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पे, ठीक है। बिसाइड्स, ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा जो स्कूल है ना, वो क्या लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, अजीब लग रहा है, एंड सॉलम, सॉलम बोले तो सीरियस, काफी स्कूल मतलब स्कूल का जो माहौल है वो काफी सीरियस माहौल है और अजीब सा माहौल है, ठीक है, ये चेंज वो देख रहा है फ्रांस जो नोटिस कर रहा है। बट द थिंग डेट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस डेट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्स, और फिर आगे फ्रांस कहता है कि जो सबसे सरप्राइजिंग चीज है उसके लिए, वो क्या लगी कि जो है बैक बेंचेस के ऊपर कौन बैठे हुए हैं, बैक बेंचेस, वो कहता है कि हमेशा एम्प्टी रहते हैं, विलेज पीपल दे वर सिटिंग लाइक आर सेल्स, ठीक है, गांव के लोग बैठे हैं पीछे वाले बेंचेस पे जैसे कि बच्चे बैठते हैं, ओल्ड हॉर्सर बैठा है विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ठीक है, द फॉर्मर मेयर, और कौन, देखो ओल्ड हॉर्सर बैठा है, फॉर्मर मेयर बैठा है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा है, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी काफी लोग बैठे हैं, तो मतलब वो कहता है कि यार बहुत सारे लोग बैठे हुए, ये चीज उसको बात समझ में नहीं आई। देखिए स्कूल में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स तो नहीं आते क्लास अटेंड करने के लिए, अगर पेरेंट्स आए तो अजीब सी बात है ना, तो ऐसे ही वो क्या देखता है कि गांव वाले बैठे हुए पीछे, तो ये चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी फ्रांस के लिए। एवरीबडी लुक्ड सैड, और वो एक चीज और नोटिस करता है कि हर कोई क्या है, सैड लग रहा है, उदास लग रहा है। एंड हॉर्सर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और आगे कहता है कि जो हॉर्सर है वो क्या लेके आया है, एक ओल्ड प्राइमर, प्राइमर बोले तो बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में कायदा बोल देते ना, जिसके अंदर 1 से 100 तक काउंटिंग होती है, या अ आ ई होते हैं, है ना, ए बी सी लेके जेड तक एबीसी होती है, एबीसीडी, तो ये इस तरीके की बेसिक बुक होती है, तो ओल्ड हॉर्सर क्या है अपने साथ, ये क्या है, एक प्राइमर लेके आया है।
थम्ड एट द एजेस, और वो जो प्राइमर है वो थम्ड है, थम्ड होता है टॉर्न एंड डैमेज, ठीक है, कोनों पर से फटा हुआ है डैमेज कंडीशन में। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने क्या कर रखा है उस प्राइमर को, उस ठीक है, खोला हुआ है अपने घुटनों पर, ठीक है, और यू नो चश्मे उसमें लगा के, मतलब वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। तो ये सरप्राइजिंग बात है भाई, चलो स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए आएंगे, ठीक है, अच्छा है, बट उनके पेरेंट्स क्यों पढ़ने के लिए आए हैं? तो ये देखिए काफी सारी चीजें, सरप्राइजिंग चीजें जो है फ्रांज नोटिस करता है जब वो क्लास में जाता है। व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, ठीक है, अब वो सारी बातों पे क्या है वंडर कर रहा है। तो जो उसका टीचर है एम हेमल, ही माउंटेड, माउंटेड बोले तो सेट ऑन हिज चेयर, उसका टीचर अपनी चेयर पे बैठता है। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव बोले तो सीरियस, और वो काफी सीरियस आवाज में क्या कहता है, एंड जेंटल टोन में क्या कहता है, विच ही हैड यूज टू मी, जिस टोन में उसके टीचर ने, एम हेमल ने फ्रांस से बात की थी उसी टोन में वो क्या कहता है, ग्रेव टोन में, माई चिल्ड्रन, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है उसके टीचर की, क्या कहता है, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी आखिरी क्लास है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, अनाउंस कर रहा है बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि सिर्फ जर्मन पढ़ानी है, ठीक है, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सासे, अल्सासे और लोरेन के स्कूल में क्या है, सिर्फ पढ़ा, क्या पढ़ानी है, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा है, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया टीचर कल आएगा, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपकी आखिरी फ्रेंच लेसन है, ऐसा भी वो अनाउंस करता है, मतलब आज के बाद कोई फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास नहीं होगी इस स्कूल में, ठीक है, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया एम हेमल ने अपनी क्लास के अंदर। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और टीचर कहता है कि भाई मैं चाहता हूं कि आज की क्लास में आप सारे काफी अटेंटिव रहें, ध्यान दें। अब ठीक है, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वॉट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आती है, अंडरलाइन कर लीजिए आप इसको। तो कहते हैं व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप होता है स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो। तो अब फ्रांस कहता है कि ये जो टीचर के जो शब्द हैं, क्या शब्द थे, कि भाई माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सासे एंड लोरेन, है ना, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है। तो ये जो टीचर के शब्द थे, ये टीचर के शब्द जो है फ्रांस के लिए काफी क्या है, शॉकिंग थे, स्टार्टलिंग थे। ओह द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब इसको समझ में आता है कि टाउन हॉल में जो इतनी भीड़ लगी हुई थी, ठीक है, वो क्यों लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ रैचेस मतलब क्या है, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, कि बोला अच्छा ये एक बुरी बात हुई है जिस वजह से लोग इकट्ठा हो रखे थे टाउन हॉल में, है ना। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, है ना, फ्रांस सोचता है मेरे आखिरी आखिरी आज लास्ट क्लास है फ्रेंच की, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो कहता है यार मेरे को तो अभी पता ही नहीं कि भाई लिखते कैसे हैं, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कहता है कि मैं आगे और नहीं सीख पाऊंगा, आई मस्ट स्टॉप देयर, मेरे को यहीं रुकना होगा, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, ठीक है। अब देखिए सडनली जो हमारा नरेटर है फ्रांस, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, एकदम से उसको शॉक लगता है कि आज उसकी लास्ट फ्रेंच क्लास है, तो कहता है कि मैं इन चीजों को सीख नहीं पाऊंगा, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, ठीक है ना। एंड ही फेल्ट सॉरी, किस चीज के लिए, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपने लेसन वगैरह लर्न नहीं करता, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, अभी क्या करता था, कई बार स्कूल आने के बजाय क्या है बर्ड्स वगैरह ढूंढ रहा है पक्षियों के, देखिए है ना ऐसे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या क्या किया स्कूल आने के बजाय सार में पहुंच गया, सार क्या है, अ रिवर विच पासिस थ्रू फ्रांस, फ्रांस में से जो नदी है वहां पहुंच गया, वहां पे स्लाइड कर रहा है उस नदी में। माई बुक्स डेट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, ठीक है। अब देखिए वो क्या करता था, पहले उसका इंटरेस्ट क्या है इन चीजों में था, स्लाइड ऑन द सार, स्लाइडिंग ऑन द सार में, है ना, बर्ड्स एग्स में था, है ना, वो चीजों को इग्नोर करता था, मतलब पढ़ाई नहीं करता था। अब वो कहता है माई बुक्स डेट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, वो कहता है कि मेरी किताबें जो मुझे थोड़ी देर पहले तक क्या लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, न्यूसेंस होता है प्रॉब्लम, बर्डन, बोझ लगती थी उसको किताबें, सो हैवी टू कैरी, ठीक है, उसको काफी भारी भरकम लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, देखिए ग्रामर बुक है और ये हिस्ट्री बुक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें, दे वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो इन चीजों को अपने पुराने दोस्त कह रहा है, ठीक है, मतलब अब देखो पहले तो इन चीजों से वो चिढ़ता था, पहले ये सारी चीजें उसको क्या लगती थी, बर्डन लगती थी, लेकिन सडनली ही कॉल्ड देम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, की ये तो यार मेरे पुराने दोस्त हैं, नाउ डेट आई कुड नॉट गिव अप, बोला मैं इनको अब नहीं छोड़ सकता, ठीक है, गिव अप होता है छोड़ देना, टू लीव,
तो कह रहेगा मैं नहीं छोड़ सकता इन चीजों को। देखिए ऐसा ये ह्यूमन नेचर है, जब भी कोई चीज हमारे पास होती है ना तो हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज हमारे पास से चली जाती है ना तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है। तो फ्रांस भी हमसे अलग नहीं है, ठीक है, जब तक उसको मतलब जब तक ऑर्डर नहीं आया था उसको अपनी लैंग्वेज की, अपनी क्लास की, अपने टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया है, जैसे ही पता चला है कि अब कोई फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास नहीं होगी, उसकी फीलिंग्स इन सब को लेकर, अपने टीचर को लेकर, अपनी स्टडीज को लेकर है ना चेंज हो जाती है। एंड आई एम हेमल टू द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अभी, और वो कहता है कि आई एम हेमल के लिए भी कि वो जा रहा है, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। ठीक है, तो जैसे उसने ये चीज रियलाइज की कि भाई टीचर जाने वाला है, ठीक है, दोबारा से कभी टीचर को वो देख नहीं पाएगा, तो वो भूल जाता है किस चीज को, टीचर के रूलर के बारे में और उसके क्रैंकी नेचर के बारे में। ठीक है ना, क्रैंकी मैंने बताया था पहले भी, स्ट्रेंज, अजीब सा, शॉर्ट टेम्पर, मतलब छोटी छोटी बातों पे उसके टीचर को गुस्सा हो जाता है, तो ये इस चीज को भूल जाता है, मतलब टीचर के रूलर को और टीचर के इस क्रैंकी नेचर को वो भूल जाता है, समझ रहे हो। तो मतलब सडनली टीचर के लिए भी इसके दिल में प्यार उमड़ जाता है। पुअर मैन, अब वो जो है एमएमएल के लिए कहता है पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन डेट ही हैड पुट ऑन हिज संडे फाइन संडे क्लोथ्स। वो कहता है अच्छा, अब उसको रियलाइज होता है कि ठीक है, आज पहले वो सोच रहा था ना कि टीचर ने अपनी स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी है ना, अब उसको रियलाइज होता है कि वो उसने बेस्ट ड्रेस अपनी क्यों पहनी है, ठीक है, इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ठीक है, हिज फाइन संडे क्लोथ्स, संडे क्लोथ्स होते हैं द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। पहले वो सोच रहा होता है कि भाई जो है गांव वाले क्यों बैठे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब उसको समझ में आ गया कि उसके टीचर ने ये स्पेशल संडे क्लोथ क्यों पहने हैं, उस आखिरी लेसन को सम्मान देने के लिए, ठीक है। अब उसको समझ में आ गया है कि गांव वाले जो ओल्ड मैन हैं वो क्यों आए हुए हैं, क्यों, ठीक है ना, वो समझ रहे हो, आखिरी क्लास इसलिए वो आए हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, ठीक, गांव वाले क्यों आए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, गांव वालों को भी क्या है, अफसोस है किस चीज का, डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ठीक है, कि वो स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे, इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। वो कहता है कि गांव वाले आए हैं यहाँ स्कूल के अंदर, ठीक है, पीछे बैठे हुए हैं किस चीज के लिए, उनका जो मास्टर है, उनका जो क्या है टीचर है एम एमएल, इसके लिए क्या है वो थैंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थैंक कर रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर हिज 40 ईयर्स, ठीक है, 40 सालों तक जो इसने सेवा की है ना फेथफुली, एम हेमल ने स्कूल के बच्चों को, मतलब गांव के बच्चों को पढ़ाया है स्कूल में, तो इसके लिए अपने टीचर को थैंक करने के लिए गांव वाले इकट्ठा हुए हैं क्लासरूम के अंदर। देखिए कुछ इस टाइप का सीन है, एम हेमल यहाँ पे रहा, हाथ में रूलर दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, और फिर ये बच्चे इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, एम हेमल द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स, ठीक है, इस टाइप का कुछ क्लास का सीन है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, देखो अब यहाँ आके गांव वाले क्या है अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, और इस बात का भी उनको अफसोस है कि अब यू नो वो स्कूल नहीं गए, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर नो मोर, ठीक है, देश के प्रति रिस्पेक्ट व्यक्त करना है जो देश अब उनका नहीं रहा। हमें पता है वो देश जो अल्सासियन लोरेन है उनको, उन पर कब्जा किसने कर लिया है, प्रशियन सोल्जर्स ने। While I was thinking of all this, ये सारी बातें दिमाग में चल रही हैं फ्रांस के, I heard my name called, suddenly उसने अपना नाम सुना, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इसका टर्न आ गया है, फ्रांस का टर्न आ गया कि भाई उसको रिसाइट करने रूल्स। वट वुड आई नॉट हैव गिवन नॉट बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। टीचर ने बोला है कि उसको क्या है वो ड्रेडफुल, ड्रेडफुल होता है फ्राइटनिंग, वो रूल्स सुनाने हैं, मतलब पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाने के लिए फ्रांस की बारी आ गई है, ठीक है, वेरी लाउड, लाउडली सुनाने, क्लियर सुनाने, विदाउट वन मिस्टेक। टीचर ने फ्रांस को खड़ा किया कि हाँ भाई फ्रांस आप खड़े हो जाइए और प्लीज रिसाइट कर दिए है ना पार्टिसिपल के रूल्स, ठीक है, मतलब फ्रांस का नंबर आ गया बेचारे का। बट आई गॉट मिक्सड अप, वो कहता है कि लेकिन मैं क्या हो गया, मिक्सड अप हो गया, मतलब कंफ्यूज हो गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द पे, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और ये बेचारा वहीं पे खड़ा रहा, ठीक है, अपने डेस्क को पकड़ के, माई हार्ट बीटिंग, आपको पता है जैसे टीचर आपको खड़ा कर देता है तो ठीक है, और आप आंसर नहीं दे पाते हो तो डर तो लगता है टीचर से, तो इस तरीके से हमारा जो फ्रेंच बेचारा ये भी डरा हुआ है, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ठीक है, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो टीचर को क्या है देखे। I heard M. Hamel say to me, अब देखिए टीचर ने क्या कहा फ्रांस से, देखिए, I won't scold you, मैं आपको नहीं डांटूंगा, little Franz,
यू मस्ट फील बैड इनफ, ठीक है, तुम्हें खुद को बुरा फील होना चाहिए, सी हाउ इट इज, ठीक है। देखिए होता क्या, अब देखिए टीचर आगे छोटी सी स्पीच देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे वी हैव सेट टू आर सेल्स, टीचर कहता है कि हर दिन हम अपने आप से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बाह मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, गुस्से की जो भावना दिखा, ठीक है। होता है कि ओ हम रोज कहते हैं कि हम भैया हमारे पास क्या है, बहुत टाइम है। और आगे कहते हैं आई लर्न इट टूमोरो, हम इसको क्या है कल लर्न करेंगे। इस तरीके से ये ह्यूमन नेचर है कि हम हर चीज को क्या है कल पे टाल देते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखिए अब हम लोग कहाँ पे आ गए। देखिए होता ना ये हमारा ह्यूमन नेचर है, नहीं आज नहीं पढ़ते हम कल पढ़ेंगे, कल को फिर बोलते नहीं परसों पढ़ेंगे, फिर बोलते हैं नहीं उससे नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से हम चीजों को डिले करते रहते हैं, और फिर इसी चीज को उसका टीचर कहता है देखिए अब हम कहाँ आ गए हैं, इस चीज का रिजल्ट क्या आया है। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सासे, कहता है कि अल्सासे के साथ यही प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग, पुट्स ऑफ होता है टालना, पुट ऑफ मतलब क्या होता है टालना, प्रोक्रास्टिनेशन भी बोलते हैं कि हम क्या है लर्निंग को क्या है कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज, यहां पर जो दोज फेलोज हैं वो किन के लिए आया है, जर्मन लोगों के लिए आया है। आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो कहता है कि वहां जो अब वो लोग हैं ना उनके पास अधिकार है ये बात कहने का, कौन सी बात कहने का, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, हमसे क्या कहेंगे कि तुम कहने को तो कहते हो कि तुम लोग फ्रेंच हो, एंड येट यू कैन नॉट नीदर स्पीक नॉर राइट, लेकिन फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना क्या है लिख सकते हो। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर इंडियंस है ना, और हिंदी हम अपनी कहते हैं मातृभाषा है। अब सोच के देखो कि हम कहने को तो हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपनी ही भाषा ना आए तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। तो ऐसे उनका टीचर जो है आई एम हेमल बोलता है कि देखिए हम कहने को तो कहते हैं फ्रेंचमैन है, लेकिन ना तो हम अपनी भाषा बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना ना, अब वो बोला ये बात कौन कहेगा, अब वो प्रशियंस कहेंगे बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन फिर वो फ्रांस जो कहते हैं कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस वी ऑल हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लाइन है एग्जाम्स में आती है, स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहते हैं, वी ऑल वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विद, ठीक है। रिप्रोच मतलब होता है ब्लेम करना, क्या होता है दोष मढ़ना। अब देखिए क्या होता है जनरली कुछ बुरा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे पीटीएम में अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो पीटीएम में क्या होता है टीचर्स बोलते हैं कि जी आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ये है वो है, ठीक है, क्लास में आंसर नहीं करता, काम नहीं करके लेके आता, आप लोग ध्यान नहीं देते। इस तरीके से टीचर्स क्या करते हैं, दे ब्लेम स्टूडेंट्स फॉर देयर वर्स्ट परफॉर्मेंस, एंड व्हेन एवर द पेरेंट्स आस्क देयर वर्ड्स कि बेटा आपके मार्क्स कम क्यों आए, बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है कि जी टीचर नहीं पढ़ा था, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते, टीचर का मेरे को समझ में नहीं आता। तो मतलब वो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, मतलब वो एक तरीके से ब्लेम कर देता है किस पे, टीचर्स पे, मतलब ब्लेम गेम ये चलता रहता है। तो ऐसे ही जो एम हेमल कह रहा है कि हमें क्या है ब्लेम अपने आप को करना चाहिए, ठीक है, किसको करना चाहिए अपने आप को, मतलब दूसरों को ब्लेम करने की बजाय कि हम हैं दोषी इस चीज के लिए। वो ये कहता है किस चीज के लिए, कि कहने को तो ये फ्रेंच मैन है लेकिन ना तो ये अपनी फ्रेंच भाषा लिख सकते हैं और ना ये बोल सकते हैं। अब आगे देखिए वो अपने आप को दोषी ठहराता है, देखते हैं अब आगे किस चीज को दोषी ठहराता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस आने वाली है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, बोला सबसे पहली गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है, क्या गलती है कि दे वर नॉट एंग्शियस, एंग्शियस बोले तो चिंतित होना, ठीक है, वो चिंतित नहीं होते तुम्हारी पढ़ाई को लेकर। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म्स और एट द मिल्स, वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हमारे बच्चे या तो किसी फार्म पे चले जाएं या मिल्स में चले जाएं, किस चीज के लिए, काम करने के लिए, किस क्यों, टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि उनके पास थोड़ा और पैसा आ जाएगा, ठीक है। पहले तो वो पेरेंट्स को ब्लेम करता है, एंड आई, फिर आई मीन्स एम हेमल, वो एम हेमल अपने लिए बोल रहा है, बोला और मैं भी आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कहता है कि मेरे को भी ब्लेम आना चाहिए कि भाई जो आज आप लोगों की कंडीशन है, आप भाई ना तो फ्रेंच बोल पा रहे हो ना लिख पा रहे हो, क्यों, हैव आई नॉट सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। एम हेमल क्या करता था, अपने बच्चों को है ना पौधों में फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, ठीक है, मतलब लेसन लर्न करने के बजाय बेटा जाओ एक काम करो फूलों में पानी दियाओ, इस तरीके से। एंड आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी एम एम एल को फिशिंग पे जाना होता था, ठीक है, ही गेव देम हॉलीडेज, तो समझो वो बच्चों को क्या देता था, हॉलीडेज, छुट्टी, बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है। तो मतलब वो कहता है कि बच्चों की आज जो भी कंडीशन है इसके लिए सिर्फ बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले वो पेरेंट्स को ब्लेम करता है, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय फार्म्स या मिल्स में भेजते हैं ताकि वो कुछ और पैसा अर्न कर सके। दूसरा फिर वो अपने आप को ब्लेम करता है कि वो बच्चों को क्या है पौधों में पानी देने के लिए भेजता है,
या फिशिंग के लिए भेज देता है ना बच्चों को, सॉरी हाँ फिशिंग के लिए तो वो खुद चला जाता है, और उस टाइम बच्चों को क्या है हॉलीडे पे भेज दिया, और या बच्चों को क्या है पानी देने के लिए भेज दिया। तो अब देखिए कोई बच्चा पानी देने जाएगा तो उस टाइम पर बेचारे की क्या होगी, लर्निंग है जो क्लास है वो मिस हो जाएगी। तो मतलब अपने आप को भी और पेरेंट्स को भी ब्लेम करता है, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर आई एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, फिर वो बात करता है, ठीक है, और उसके बाद में बात करता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। ये अब जो बोलने वाला, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, उसकी राय क्या है। वो कहता है इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सुंदर भाषा वो डिक्लेयर करता है फ्रेंच लैंग्वेज को, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, और इस भाषा को सबसे ज्यादा क्लियर सबसे ज्यादा लॉजिकल कहता है, डेट वी मस्ट गार्ड, और वो क्या है इन लोगों को अपने स्टूडेंट्स को और उन रिलीजियस को क्या कहता है कि हमें वी मस्ट गार्ड इट, इट मीन टू फ्रेंच लैंग्वेज, हमें फ्रेंच लैंग्वेज को क्या है प्रोटेक्ट करना है, गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपनी भाषा को भूलना नहीं है। व्हाई, बिकॉज ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछती है, व्हेन पीपल आर इनस्लेव, इनस्लेव होता है टू मेक समवन स्लेव, किसी को दास बनाना। वो कहता है कि जब लोग है ना दास बन जाते हैं ना तो क्या होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, है ना, होल्ड फास्ट मतलब अपनी भाषा को पकड़ के रखना, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा लगता है कि इनके पास अपने प्रिजन की, प्रिजन मतलब होता है जेल, ठीक है। अब देखिए जो भाषा है ना वो हम लोगों को जोड़ती है, इससे हम यूनाइट होते हैं। तो वो कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है हमें फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं भूलना है, उसको गार्ड करके रखना है, और वो कहता है कि जब तक हम अपनी भाषा को नहीं भूलेंगे, जब तक ऐसा रहेगा कि हमारे हाथ में क्या है चाबी है, किस चीज की, प्रिजन की, उस प्रिजन की चाबी है जिसके अंदर हम कैद हैं। मतलब अभी वो कैद किसकी में है, प्रशियन सोल्जर्स, आपको पता है वो रूल कर रहे हैं। मतलब कह रहा है कि जब हम अपनी भाषा नहीं भूलेंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलेंगे, अपनी पहचान को नहीं भूलेंगे, और जब हम अपनी पहचान को नहीं भूलेंगे तो हम क्या है अपने आप को लिबरेट करने के लिए, है ना, फ्री करने के लिए क्या है? इन लोगों से लड़ेंगे। इस तरीके से वो इस मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर वो इम्पोर्टेंस बता रहा लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, उसके बाद वो क्या है ग्रामर ओपन करता है, लेसन पढ़ता है, आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। अब देखिए एक ये और चेंज आता है फ्रांस के अंदर, देखिए है ना, ही वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कहता है यार आज तो कितना अच्छे से समझ में आ गई ग्रामर, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, कहता है टीचर जो आज पढ़ा रहा है इतना इजी लग रहा है, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो, देखो अब वो क्या है आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, वो अपनी फॉल्ट मान रहा है कि आज शायद इतना अच्छा क्यों समझ में आ रहा है कि मैंने शायद इतनी ध्यान से कभी पहले नहीं सुना, एंड डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, और देखो पहले तो वो अपने आप पे भी कह रहा है और आगे फिर वो टीचर के लिए भी बोलता है कि बोला एंड डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, कहता है कि शायद टीचर ने भी इतनी पेशेंस से आज तक कभी पढ़ाया नहीं और शायद मैंने भी कभी इतनी ध्यान से सुना नहीं। तो मतलब उसका मानना है कि दोनों ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से फ्रांस को क्या है अब चीजें समझ में नहीं आती थी, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। अब देखिए होता है ना जनरली जब हमारी कोई कोई चीज लास्ट हो तो हम चाहते हैं कि है ना वो एकदम से वो चीज हो जाए। देखिए वो कह रहा है कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन मतलब एम हेमल, तो ऐसा लग रहा है कि जो एम हेमल है वो चाहता है कि जाने से पहले है ना बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स, कि जो टीचर है वो ये चाह रहा है कि वो सारा ज्ञान अपने बच्चों को दे जाए, वो भी एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक मतलब एक ही बारी में। मतलब एम हेमल इस तरीके से पढ़ा रहा है कि वो चाह रहा है कि आज की क्लास में वो उसके पास जितना भी ज्ञान है वो अपने बच्चों को दे दे, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद इनका राइटिंग में लेसन होता है, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हेमल इनके लिए नई कॉपीज लेके आया है, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ कॉपीज पे, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, है ना, और वो छोटी वो जो नोट वो जो कॉपीज हैं वो क्या लग रही है छोटे छोटे फ्लैग जैसी लग रही है, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ठीक है, जो हर बच्चे के डेस्क पे रखी हुई है, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। अब आगे आगे जो फ्रांस कहता है कि आपको देखना चाहिए था कि कैसे क्या है हर बंदा काम करने में बिजी है, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी उस लास्ट क्लास में, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, कह रहा है कि सिर्फ एक ही चीज की साउंड आ रही है, किस चीज की, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स की ओवर द पेपर, ठीक है। वंस सम बीटल्स, बीटल्स होता है एक इंसेक्ट बड़े साइज का, फ्लू इन, कहता है कि एक बार कुछ इंसेक्ट्स ये आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कहता है लेकिन किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया,
मतलब सुन, क्लास में देखो लोग, बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स इतनी ध्यान से पढ़ रहे हैं। देखिए जनरली क्या होता है क्लास में, जब हम क्लास ले रहे हो और कोई सोचिए कोई इंसेक्ट वगैरह आता है तो हम तुरंत उस हमारा ध्यान हट जाता है टीचर की बातों से, टीचर क्या बोल रहा है। लेकिन उस दिन की क्लास में हर कोई बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है, मतलब बीटल्स की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, ठीक है। लिटलेस्ट वंस जो कौन से हैं, पिजन्स, ठीक है। इन कबूतरों के बारे में बात कर रहा है कि इन कबूतरों ने भी ध्यान नहीं दिया कि जो क्या कर रहे हैं, देवर वर्किंग राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। फिश हुक्स यहाँ पर किसको बोला गया, उनके क्लॉज को बोला गया कि जो है ना ये अपने क्लॉज वगैरह को स्क्रैच कर रहे थे, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कबूतरों ने भी। एज इफ डेट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा है कि भाई आज की क्लास सिर्फ बच्चे नहीं ध्यान से ले रहे, ये कबूतर भी क्लास ले रहे हैं ध्यान से, ठीक है। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड, वो बता रहा है आगे छत पर क्या है, जो पीजन्स हैं वो कू कर रहे हैं। कू क्या होता है, साउंड मेड बाय द पीजन्स, गुटर गू जो करते हैं ना हिंदी में हम बोलते हैं वो। वेरी लो एंड आई थॉट, ठीक है। अब ये कबूतर भी लगे हुए हैं बड़ी आराम आराम से आवाज करने के लिए, और फिर फ्रांस सोचता है, क्या सोचता है, टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। कहता है कि यार चलो हमें तो ये बोल रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज आपको नहीं सीखनी, अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज आप पढ़ोगे, तो बोला क्या इन कबूतरों को भी बोलेंगे कि आप यू सिंग इन जर्मन, ठीक है ना। ऐसे वो कह रहा है कि भाई मतलब ठीक है। व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमर सिटिंग मोशनलेस। तो इस तरीके से जब फ्रांस बैठा हुआ है, वो देखता है अपनी टीचर को, टीचर कैसा बैठा है, मोशनलेस बैठा अपनी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन द अदर। पहले एक चीज को घूर के देखता है, फिर दूसरी चीज को देखता है, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो ऐसा लग रहा है कि टीचर जाने से पहले अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाह रहा है क्या कि क्लासरूम में दृश्य कैसा था। फिर आगे कहता है, फ्रांस फैंसी, फैंसी मींस इमेजिन, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कहता है इमेजिन करो ये बंदा पिछले 40 साल से यहीं पे है, विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर इसका गार्डन है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, सामने उसकी क्लास है, जस्ट लाइक दैट। ओके, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। कहता है कि सिर्फ जो डेस्क है और जो बेंच है वो क्या हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, ठीक है। ये चेंज आया है, द वॉलनट ट्रीज, ठीक है, जो अखरोट के जो पेड़ हैं वो क्या हो गए गार्डन के अंदर, वो लंबे हो गए। एंड द हॉप वाइन, हॉप वाइन होती है क्रीपर, बेल होती है टाइप की, डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि एम हेमल ने खुद लगाई थी, है ना। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज, ट्वाइंड होता है ट्विस्टेड, टेढ़ी मेढ़ी चढ़ गई है वो विंडो पे, फिर छत पे पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, अब वो सोच रहा है कि देखिए कितना दिल टूटा होगा इस बंदे का, किसका, एम हेमल का, टू ठीक है, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स। की सोच के देखो, जो बंदा पिछले 40 साल से एक ही जगह सेवा कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, एकदम से आ जाए आदेश कि भैया अब आपको नहीं पढ़ानी, तो कितना दिल टूटा होगा। और ऊपर वो कह रहा है कि एम एम एल की सिस्टर क्या कर रही है, पैक कर रही है ट्रंक को, बक्सों को, ठीक है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, इनको कंट्री छोड़ के जानी है नेक्स्ट डे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री में, फिर इनका हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, इस तरीके से फिर जो बच्चे हैं वो चैंट कर रहे हैं, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, वो कहता है कि कमरे के अंदर जो ओल्ड हॉसर है उसने क्या चश्मे वश्मे लगा रखे हैं, एंड ही वॉज होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, ठीक है। ओल्ड हॉसर जो है उसने प्राइमर को अपने दोनों हाथों में रखा हुआ है, स्पेल द लेटर्स विद देम, वो भी क्या है बच्चों के साथ लेटर्स को स्पेल कर रहा है ओल्ड हॉसर। You could see that he too was crying, जो है ना ओल्ड हॉसर है वो भी बेचारा क्या है, रो रहा है। His voice trembled, trembled होता कांपना, उस बेचारे बंदे की भी आवाज कांप रही है with emotion। जब देखिए हम कोई चीज रोके बोल रहे with emotions and it was so funny, इस तरीके से कुछ आवाज आ रही है ओल्ड हॉसर की भी। अब वो कहता है कि it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। अब वो कह रहा है कि ओल्ड हॉसर जो है वो जिस तरीके से रोते रोते उन वर्ड्स को बोल रहा है वो काफी फनी थे, और कह रहा कि हमारा मन कर रहा है लाफ करने का, रोने का भी। आह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, वो कहता है डेट लास्ट लेसन, मुझे मतलब आज भी वो लास्ट लेसन याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, वो कहता है एकदम से कितने बज गए हैं, 12 बज गए हैं चर्च क्लॉक में। देन द एंजलस, ठीक है, 12 बजे, 12 बजे के बाद क्या हुआ, एंजलस, एंजलस हुआ। एंजलस क्या होता है, प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च, चर्च के अंदर जो प्रेयर सॉन्ग होता है। द स्टार्ट इज मार्क बाय रिंगिंग ऑफ द बेल, पहले घंटी बजती है उसके बाद ये प्रेयर सॉन्ग स्टार्ट होता है। देन द एंजलस, ठीक है, उसके बाद पहले तो 12 बजने की घंटी बजी है, उसके बाद फिर एंजलस हुआ है, मतलब प्रेयर सुनाई दी है।
एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स, ठीक है, ट्रम्पेट क्या होते हैं, एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसके बाद ठीक है ट्रम्पेट सुनाई देते हैं, प्रशियन जो सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रिल करके वापस लौट रहे हैं. साउंडेड अंडर आर विंडोज, एम एमल स्टूड अप वेरी पेल, पेल होता है पीला, एम एमल फिर खड़ा होता है अपनी चेयर से, ठीक है. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो कहता है कि आज तो टीचर कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है, ठीक है, खड़ा होता है और क्या कहता है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स यहाँ वो ठीक है स्टूडेंट्स के लिए, गाँव वालों के लिए यूज करता है. सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, बोलता है कुछ, बोलने के मतलब he wanted to speak, लेकिन वो कहता है कि किसी चीज ने उसको क्या कर लिया, चोक कर लिया. चोक मतलब होता है became unable to speak due to strong emotions, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल होता है ना हमारा एनिमल, तो उस इमोशन की वजह से वो बेचारा बोल नहीं पाया. वो कहता है किसी चीज ने उसको क्या चोक कर दिया. he could not go on, then he turned to the blackboard, उसके बाद वो blackboard पे गया, took a piece of chalk, उसने क्या है चौक उठाया, and bearing on with all his might, might होता है power, और अपनी पूरी ताकत से he wrote as large as he could, और उसने अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा. क्या लिखा, Vive la France, क्या लिखा, Vive la France टीचर ने, ठीक है ना. Vive la France का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, ये एक प्रे कर रहा है एक तरीके से. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद फिर वो रुक गया और अपना जो सिर है वो दीवार के लगाया. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर, और बिना कुछ कहे उसने हाथों से, जेस्चर होता है इशारा करना, अपने हाथों से क्या इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, ठीक है, स्कूल खत्म हो गया है आप लोग जा सकते हैं. तो इस तरीके से कुछ ठीक है लास्ट क्लास हुई, ठीक है, एम हेमल की. काफी इमोशनल है वो क्योंकि उसकी आज लास्ट क्लास है, ठीक है. और वो ये जो वाइव ला फ्रांस उसने लिखा है, एक तरीके से वो उम्मीद जाहिर कर रहा है कि जो है फ्रांस मरेगा नहीं, लोग मरेंगे नहीं, लोग मतलब मरेंगे इन द सेंस लोग अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलेंगे, ठीक है. इस तरीके से ये होगी क्लास का नाम. अब देखते हैं इस चैप्टर की मेन थीम्स के बारे में, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है. पहला है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होता. लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स द स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ डेट योर कंट्री एंड लैंग्वेज इज द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है. ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग और अनरीजनेबल, बिना किसी रीजन की ये एक सोच होती है कि आपका जो देश है और जो आपकी भाषा है वो सबसे बेस्ट है, इस टाइप की कुछ फीलिंग होना. द स्टोरी लास्ट लेसन इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, इसी के बारे में है ये चैप्टर भी. एक्विजिशन ऑफ पावर ओवर द अल्सेशियंस मेड द प्रशियंस सो डोमिनेटिंग, अब देखिए ये इनको पावर मिल जाती है अल्सेशियंस के ऊपर, जो प्रशियंस हैं वो इतने डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं अपने चलाने वाले, दैट दे इंपोज इवन देयर लैंग्वेज ऑन देम, वो क्या है इतने डोमिनेटिंग हो जाते हैं कि जो प्रशियंस हैं वो अपनी भाषा इंपोज कर देते हैं, थोप देते हैं किन पर, अल्सेशियंस पे. देयर प्राइड इन देयर लैंग्वेज वॉज सो फिक्स्ड दैट दे इवन फॉरगॉट टू रिस्पेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द अदर्स, देखिए हम सब अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें दूसरों की भाषा की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर चैप्टर के अंदर प्रशियंस ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों की भाषा के प्रति रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी है. द रूलर्स वांटेड टू डोमिनेट इवन ऑन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द कॉन्कर्ड, जो रूलर्स हैं ना प्रशियन, जो सोल्जर्स हैं प्रशियंस हैं, वो डोमिनेट करना चाहते हैं इन लोगों के माइंड्स पे भी और हार्ट्स पे भी. एंड दे वॉन्टेड देम इवन टू थिंक इन देयर लैंग्वेज, वो ये चाहते हैं कि ये यहाँ के लोग हमारी भाषा सीख जाएं जर्मन, और वो हमारी ही लैंग्वेज में क्या करें, थिंक करें, देयर बाय कॉजिंग द लॉस ऑफ आइडेंटिटी. और अगर वो ऐसा कर देंगे, अगर सोचो तो क्या होगा, वो लोग अपनी आइडेंटिटी का लूज कर देंगे. द स्टोरी दस हाईलाइट्स द लिंग्विस्टिक चौविनिज्म विच इज मेजर स्ट्रेटजी ऑफ वॉर एंड पोलिटिकल डिस्टर्बेंस इन द वर्ल्ड, तो इस तरीके से जो कहानी है वो लिंग्विस्टिक चौविनिज्म को दिखाती है, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, वॉर की. वॉर के बाद लोग ऐसा करते हैं. Instances, instances of examples, change of language from, अब ये चीज linguistic chauvinism किस चीज से दिखती है, कि जो भाषा है वो चेंज कर देते हैं फ्रेंच से जर्मन. Idea of language as key to reason, ठीक है, याद करो टीचर ने बताया था कि लैंग्वेज है वो एक तरीके से चाबी है. आगे patriotism, ये भी major theme है. Last lesson attended by everyone with great pomp, आपने देखा है chapter के अंदर जो last lesson है उसमें सभी गाँव वाले सभी students आते हैं last class में, पूरे उत्साह से वो class लेते हैं, ठीक है, ये चीज दिखाती है कि वो काफी पेट्रियोटिक हैं. एम एमल स्पेशल ड्रेस, टीचर की स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है ना, और फिर टीचर फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे क्लियरेस्ट सबसे लॉजिकल लैंग्वेज कहता है, इसका मतलब क्या है, अपनी भाषा को लेके एम एमल के दिल में काफी रिस्पेक्ट है. और ठीक है, राइटिंग अल्सा फ्रांस अल्सा से इन द नोटबुक्स, है ना, नोटबुक्स पे वो लिख देता है.
एंड द नोटबुक्स देवर कंपेयर टू लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग इन द क्लासरूम. क्लासरूम में जो नोटबुक्स वगैरह हैं उनको कंपेयर करता है छोटे छोटे फ्लैग्स से. राइटिंग वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, और एट द एंड वो क्या है, वाइव ला फ्रांस लिख देता है लॉन्ग लिव फ्रांस ब्लैक बोर्ड पे. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स सबके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.